कांग्रेस छोड़ने की अटकलों के बीच कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत आज राजगढ़ पार्टी प्रत्याशी दिग्विजय सिंह का प्रचार करने पहुंचे। लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत को मनाने में आखिरकार आलाकमान सफल हो ही गए। पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच आज कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत दिग्विजय सिंह का प्रचार प्रसार करने पहुंचे। दिल्ली आलाकमान से फोन पर बातचीत करने के बाद आखिरकार रामनिवास रावत की नाराजगी दूर हो गई है। अब तक अटकलें लगाई जा रही थी कि पार्टी से नाराज चल रहे कांग्रेस विधायक 25 अप्रैल को कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी अटकलों पर विराम लग गया है। कांग्रेस में और बीजेपी में जो मौलिक अंतर है, कांग्रेस के लोग सभ्य होते हैं, भले होते हैं और बहस नहीं करते। मैंने देखा है कि किसी एक जगह अगर 10 लोग बैठे हो, बीजेपी का एक बंदा आएगा, जोर जोर से चिल्लाएगा, बोले राम मंदिर बना कि नहीं बना तुमसे कहलवाएगा, हाँ, बोले ये काम हुआ कि नहीं हुआ तुमसे कहलवाएगा, हाँ, तो बोले वोट दो, और आप लोग बोलते नहीं। तो मेरा तो आप लोगों से निवेदन है, वो जब भी बहस करता आएगा बीजेपी का कार्यकर्ता आपके गांव में, तब आप और जोर से बहस करने लगे कि जी बताओ राम मंदिर तो बन गया, सब चाहते थे, हम भी राम की पूजा करते हैं, आप तो जी बताओ मोदी ने 15 लाख देने की बात की थी कि नहीं की थी, आप जी बताओ 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी कि नहीं की थी, आप जी बताओ मुद्रा की कीमत सुधारने की बात की थी कि नहीं की थी, इन सब बातों को, किसान की आय दोगुना करने की बात की थी कि नहीं की थी। अब वो बोल नहीं पाएंगे तो उनसे कहो पहले इनका जवाब दे, तुम्हें माँ बाप की कसम है, भगवान राम की कसम है, कहा कि नहीं कहा, तो झूठा कौन होगा, वो अपने आप वहां से चला जाएगा, बात नहीं करेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।